नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के कोटा से गायब शिवपुरी की छात्रा को इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ढूंढ निकाला है। छात्रा और उसके दोस्त को देवगुराड़िया खुड़ैल के आगे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास उसकी सहेली के रूम से बरामद किया गया है। सहेली इसी कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स कर रही है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, फिलहाल छात्रा और उसके दोस्त से पूछताछ की जा रही है, परिजन को भी सूचना दे दी है। शिवपुरी के बैराड़ की रहने वाली काव्या धाकड़ 20 बीते 18 मार्च को अपने दोस्त हर्षित के साथ लापता हुई थी। उसकी आखिरी लोकेशन इंदौर में भोलाराम उस्ताद मार्ग पर मिली थी। अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रची। काव्या के परिजन ने उसे नीट की तैयारी करने कोटा भेजा था। पिता रघुवीर धाकड़ को 18 मार्च की दोपहर 3 बजे मोबाइल पर बेटी की किडनैपिंग का मैसेज आया था। बेटी के हाथ पैर और मुंह बंधी फोटो भी भेजी गयी। कुछ फोटो में काव्या के चेहरे पर खून भी नजर आ रहा था। उसे जिंदा छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मैसेज भेजने वाले ने बैंक खाते की डिटेल भी भेजी थी। पुलिस ने घोषित किया था 20,000 रुपए का इनाम। फर्जी किडनैपिंग के खुलासे के बाद काव्या की लोकेशन इंदौर और आसपास के इलाके में बताई जा रही थी। क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की टीमें छात्रा और उसके साथी को खोज रही थी। पता बताने वाले को 20,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की थी। इंदौर में 20 मार्च को छात्रा और उसके दोस्त का सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। यहां से दोनों अमृतसर के लिए निकले थे। दो दिन पहले ही दोनों फिर इंदौर पहुंचे। देवगुराड़िया के पास शिवाजी नगर में छात्रा ने सहेली की मदद से किराए से कमरा ले लिया था।